नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोयाबीन के भाव कितने घटने वाले हैं, बढ़ने वाले क्या सीन हैं और क्यों बढ़े थे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये सूचनाएं हम खास तौर पे हम देते रहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम पोल्ट्री के भाव जो अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं डाल रहे, तो मेरा निवेदन है कि आप एक काम करिए, प्ले स्टोर पर जाए, वहाँ पर आप सर्च करें एग एंड ब्रॉयलर रेट्स, EGG एग एंड BROILER ब्रॉयलर रेट्स। नीले रंग की ये एप्लीकेशन होती है, सफ़ेद रंग में उस पर लिखा हुआ है एग एंड ब्रॉयलर रेट्स, वो ओरिजिनल है, वहाँ पे एक स्क्रॉल भी चल रहा है। क्योंकि उस समय म्यांमार में बहुत भारी संकट चल रहा था सत्ता को लेके, तो हर देश चाहता था कि हम सोयाबीन की किल्लत से बचें, जो जो देश वहाँ से खरीद कर रहे थे। तो 3 महीने पहले ही हमने बता दिया था कि बहुत भयंकर एक्सपोर्ट हमारे देश से हो रहा है, वहाँ की बजाय हमारे देश पर जोर पड़ गया है। तो डेफिनेटली किसी घर से कोई चीज़ जाएगी तो उसकी वैल्यू तो होगी ही होगी, क्योंकि हमारी खपत जितनी है उस और वो तो होनी होनी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा चला गया था। फिलहाल मैंने अभी 1 महीने पहले ये सूचना आपको दी थी कि कभी भी कोई व्यापारी, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कोई चीज़ 20 रुपये किलो थी और वो आज 70 रुपये हो गई है, फसल जब आएगी तो उससे पहले वो कभी भी वो 70 रुपये में ख़रीद नहीं करेंगे, वो फिर चाहेंगे कि वही 20 रुपये जो पुराने भाव चल रहे थे, जिसमें उनकी सिर्फ खर्चे ही पूरे हो जाते हैं या 10-20% वो मार्जिन में रहते हैं, वही रेट रखते हैं वो। या मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें उनकी लागत पूरी हो जाए, खर्चा पानी पूरा निकल जाए साल का, तो किसान उसमें खुश हो जाता है। तो आमतौर पर जो हाई लेवल के ट्रेडर हैं वो इस चीज़ का आंकलन करते रहते हैं और वो सही रेट को ही स्थिर रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब ये 70 रुपये, 80 रुपये, 50 रुपये, एग्जाम्पल जो भी रेट है, क्या उसको स्थिर रखेंगे? क्योंकि खरीद तो उन्होंने करनी है ना, अब फसल आने वाली है जब, तो ये धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इतना स्टॉक मत रखें फीड का कि ये धीरे धीरे घटता ही चला जाएगा फीड का भाव। तो हमारी जो हम बातें बताते हैं, हम अपने घर से तो बनाते नहीं हैं, हमने तो बताया कि एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा हुआ जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, तो डेफिनेटली रेट बढ़ेंगे। अब कोई हमारी बातें सुनता ही नहीं है, वो इग्नोर कर देते हैं, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जिन्होंने हमारी बातें मानी वो हमें थैंक्स कह देते हैं, हमें इतना ही काफ़ी है। वो उन्होंने 1 रुपये कमाया या 1 करोड़ कमाया, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं है, उनका थैंक्स ही हमारे लिए एक शाबाशी होता है, काफ़ी होता है हमारे चैनल के लिए। तो अब बात रही कि आने वाले वक्त में, मैं इसमें 100% मैंने आपको गारंटी कही थी कि रेट घटने वाले हैं, घटते रहेंगे और घटते जा रहे हैं। और आने वाले वक्त में मैं ये उम्मीद लगाता हूँ कि फसल आने से पहले ही 2 महीने पहले तो कम से कम ये रेट और भी नीचे आने चाहिए। मैं नहीं मानता कि कोई ट्रेडर इस रेट में किसी किसान से फसल खरीद करने वाला है। तो ये तो रही इनकी फसलों की, जो सोयाबीन की बात, सोयाबीन के डाउन आएंगे तो ये MBM के भी डाउन आएंगे, MBM के डाउन आएंगे तो ये GNE के, इन सबके प्रोटीन जितने भी स्रोत हैं सबके डाउन आएंगे। ये तो ये भी फैक्ट है ना, प्रेफरेंस सोयाबीन और GNE में क्या, अगर सोयाबीन आपको 10 रुपये मिल रहा है उदाहरण, और GNE आपको 10 मिल रही है, तो आप सोयाबीन प्रेफर करेंगे तो GNE तो नीचे ही रहेगी ना, क्योंकि उसका प्रोटीन का जो कंटेंट है वो उससे थोड़ा कम है और डाइजेस्टिबिलिटी थोड़ी कम मानी जाती है। तो ऐसे ही अब बात करें और जो अंडे के भाव की, अंडे के भाव भी जो है ना काफ़ी कम देखे जा रहे हैं। क्योंकि अब देखो, कोरोना के वक्त में मैंने बहुत सारे पोल्ट्री किसान ऐसे देखे जिनके पोल्ट्री फार्म बिल्कुल बंद ही हो गए, जिनकी कैपेसिटी नहीं थी, उन्होंने कैपेसिटी तो उनकी 10,000 बर्ड की थी, बना ली उन्होंने 50,000 बर्ड या 20,000-30,000 लोन के हिसाब से, या अपने रिश्तेदारी के, या अपने ये सोचते हो कि इतना हम अरेंज कर लेंगे। लेकिन पोल्ट्री में अरेंज करना आसान काम नहीं होता, तो बहुत सारे पोल्ट्री किसान इस लाइन से बाहर चले गए, चूँकि उनकी कैपेसिटी बिल्कुल 10-20-50% पे रह गई, कुछ तो 0 पे भी आए हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं वो पोल्ट्री फार्म। तो ऐसे केसेस में है कि अंडे की डिमांड काफ़ी जो बनी हुई थी और अंडे की प्रोडक्शन इतनी थी नहीं, लेकिन दोबारा से सब चीज़ सिनेरियो अब आ रहा है, तो इसलिए इनके भाव, तो अंडे के आप उम्मीद मत करें कि वो रहेंगे जो थे, थोड़े थोड़े तो कम आएंगे ही आएंगे। ब्रॉयलर के भाव की बात करें तो इसमें भी कोई शक नहीं है, ब्रॉयलर के भाव डिपेंड करते हैं, चूज़े की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो भी कोरोना के वक्त में प्रभावित हुई है, कोई मुंह से तो बताएगा नहीं लेकिन ये 100% सत्य है, तो उससे भी है, लेकिन धीरे धीरे उनकी भी अब कैपेसिटी ठीक आ रही है। तो आप ये उम्मीद मत करें कि हमेशा की 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, 100 रुपये, 125 बिकता रहेगा। आने वाले वक्त में बिके तो अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ बिके, पर कहीं ना कहीं अभी जो डिमांड है वो पूरी होनी शुरू हो गई है, तो इस पर आप ध्यान रखें और वीडियो शेयर ज़रूर करें, ताकि जो आंकलन है ये मेरी गलती हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डालें, मेरे विचार अगर आपको ठीक लगते हैं वो भी आप उनको एग्री करें या डिसएग्री करें हमें, और भी या अपने विचार भी आप रखें ताकि हम भी आंकलन को और बेहतर बनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
और कम्युनिटी बॉक्स जो है ना, ये पोल्ट्री इंडिया टीवी, पोल्ट्री नॉलेज एंड न्यूज़ सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो कम्युनिटी बॉक्स में हम रात को पूरे इंडिया के भाव जो कंपाइल करके डाल देते हैं, वो जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा।